नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम साहित्य का इतिहास दर्शन पर प्रश्न पत्र के अंतर्गत नावर सिंह की इतिहास दृष्टि की चर्चा करेंगे। नावर सिंह हिंदी के बहुत महत्वपूर्ण आलोचक हैं और इस इकाई में हम उनकी इतिहास संबंधी, विशेष रूप से साहित्य इतिहास संबंधी उनकी दृष्टि का विश्लेषण और मूल्यांकन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप नावर सिंह की इतिहास संबंधी मान्यताओं से परिचित हो सकेंगे, साहित्य के इतिहास लेखन के नावर सिंह के दृष्टिकोण को समझ सकेंगे और इतिहास और आलोचना, इतिहास और परंपरा, प्रासंगिकता और आदि साहित्य इतिहास की समस्याओं पर नावर सिंह के विचारों को समझ पाएंगे। नावर जी हिंदी के बहुत चर्चित और महत्वपूर्ण आलोचक हैं। कुछ लोग उनका समर्थन करते हैं, कुछ उनका विरोध करते हैं, कुछ सहमति है, कुछ असहमति है, लेकिन जब भी वो कुछ बोलते हैं तब या कुछ लिखते हैं तब उनकी बातों का हिंदी संसार नोटिस लेता। उन्होंने छायावाद से लेकर आज तक की कविता पर बड़ी महत्वपूर्ण बातें कही है। उन्होंने हिंदी साहित्य का या हिंदी आलोचना का इतिहास तो नहीं लिखा, लेकिन इतिहास, दर्शन, राजनीति आदि साहित्येतर अनुशासनों की विचार प्रविधि से लेस उनकी आलोचना है और इसीलिए उन्होंने अनेक 1950 से उनके लेखन का आरंभ होता है और उनकी किताबें लगातार बाद में प्रकाशित हुई। बकलम खुद 1951 में प्रकाशित हुई, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान ये 1952 में, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियाँ, फिर छायावाद, फिर पृथ्वीराज रासों की भाषा, इतिहास और आलोचना, कहानी, नई कहानी, कविता के नए प्रतिमान, दूसरी परंपरा की खोज, वाद विवाद और संवाद, ये उनकी महत्वपूर्ण आलोचनात्मक पुस्तकें। पिछले कुछ दिनों में, कई वर्षों से जो उन्होंने निबंध लिखे थे या कहीं भाषण दिए थे, साक्षात्कार दिए थे, वो सब असंकलित थे। उनको अब वापस संकलित करके और नए ढंग से प्रकाशित किया की गई है, जिनमें से जमाने से दो दो हाथ, हिंदी का गद्य पर्व, प्रेमचंद और भारतीय समाज तथा कविता की जमीन और जमीन की कविता आदि, ये इनके कुछ और संग्रह हैं। सम्मुख, साथ साथ, साहित्य की पहचान तथा आलोचना और विचारधारा, ये कुछ और किताबें हैं ये आई। तो इन किताबों को देखने के बाद हमको ये समझ में आता है कि नावर जी की कोई पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास या हिंदी आलोचना का विकास इससे संबंधित नहीं है, जिस तरह रामविलास जी की कोई किताब नहीं। लेकिन रामविलास शर्मा ने कुछ जो साहित्येतर विषयों पर बातें कही, उनसे कई बार लगता है कि हाँ, ये कुछ इतिहास संबंधी बातों की चर्चा करें। नावर जी मूलतः आलोचक हैं, उन्होंने आलोचना के लिए ही सामग्री इकट्ठी की। अपनी इस आलोचना को अभिव्यक्त करने के लिए वे इतिहास का सहारा लेते हैं और इतिहास का मूल्यांकन करते हैं, इतिहास पर टिप्पणी करते हैं। इसलिए उनकी जो राय है वो उनकी आलोचना का हिस्सा है, उनके इतिहास का हिस्सा नहीं। उनकी साहित्य संबंधी ये जो धारणा है वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण। जैसे उन्होंने कहा कि जो श्रेष्ठ साहित्य होता वो कैसे आ जाता, अपने मन से ही आ जाता। तो वो कहते हैं कि श्रेष्ठ साहित्य मन का लड्डू नहीं है कि जब जी चाहा तब बना लिया। आपका मन करा कि आज है ना महान कविता लिख देता हूँ, तो आप महान कविता नहीं लिख सकते। तो वो कहते हैं कि श्रेष्ठ तो श्रेष्ठ साहित्य मात्र किसी भी स्वेच्छा पर निर्भर नहीं है कि जब जैसा जी हुआ वैसा साहित्य कोई नहीं रच सकता। वे एक निश्चित परिस्थिति में, एक निश्चित परिस्थिति से पैदा होता है और ये परिस्थिति उसकी स्वेच्छा को मर्यादित करती है, यहाँ तक कि उसके विद्रोह को भी। परिस्थिति के विरुद्ध लेखक का विद्रोह भी उस परिस्थिति के द्वारा निर्धारित होता है। ये लेखक की ऐतिहासिक सीमा है। मन के लड्डू खाने की अपेक्षा अपनी साहित्यिक सीमा को समझने और समझकर बदलने की कोशिश करने में ही अधिक स्वाद है, ये वक्तव्य उनका इतिहास और आलोचना में हमें देखने को मिलता है। अपने इस कथन में नावर सिंह ये समझाना चाहते हैं कि साहित्य के समानांतर हर युग में एक साहित्य का बोध भी होता और साहित्य का ये जो बोध है इसका निर्माण अतीत की जीवंत स्मृति के साथ हुए परिवर्तनशील एवं जागरूक वर्तमान के मेल से होता।
इसलिए साहित्य और इतिहास के आपसी संबंध की इस समझ के सारे ही नामवर जी साहित्य के इतिहास की भी अपनी एक स्पष्ट समझ रखते हैं कि साहित्य के इतिहास का काम अतीत की जीवंत स्मृति और जागरूक वर्तमान के मेल से विकसित संश्लिष्ट साहित्य बोध की व्याख्या करना। इसलिए वो जो समसामयिक बोध है, अपने समय का, अपने वर्तमान का बोध है, और अतीत जो मृत नहीं हुआ, जिसकी स्मृति जीवंत है, उस स्मृति का मेल, इससे जो है वो साहित्य बोध की व्याख्या हो सकती है। नावर जी ने अपने आलोचकीय जीवन के आरंभिक दौर में 1952 में एक लेख लिखा था, इतिहास का नया दृष्टिकोण। इस लेख में उन्होंने उस समय तक के महत्वपूर्ण मान लिए गए हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों पर अपने विचार रखते हुए साहित्य के इतिहास लेखन के लिए द्वंद्वात्मक प्रणाली पर आधारित ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोण को अपनाने की आवश्यकता बताई थी। उस समय नामर जी एक तरह से कहना चाहिए कि परंपरागत मार्क्सवादी की तरह से अपना विचार व्यक्त करते हैं। नामर जी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का इतिहास में सामाजिक परिस्थितियों, साहित्यिक प्रवृत्तियों तथा साहित्यिक व्यक्तियों के बीच कार्य कारण संबंधी असंगति की तरफ ध्यान दिलाते हुए उसे आगामी युग के लिए अपूर्ण माना, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की हिंदी साहित्य की भूमिका में समाज और साहित्य में कार्य कारण संबंध पाकर उसे नवीन युग और साहित्य के नवीन इतिहास की भूमिका की संज्ञा दी। अपने एक साक्षात्कार में उन्होंने इसे और पुष्ट करते हुए बताया कि साहित्य में इतिहास मेरी मुख्य चिंता थी। साहित्य का इतिहास लिखना इतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना साहित्य का इतिहास समझना और ये वीर गाथा काल और भक्ति काल और रीति काल और भारतेंदु मंडल काल और जिस तरह से विभाजन कर दिया गया था और फिर मुसलमानों का हमला हुआ तो इतिहास बदल गया। इसका जवाब मुझे रामचंद्र शुक्ल नहीं देते कि क्यों 1000 ईस्वी के आसपास संस्कृत और प्राकृत का वर्चस्व समाप्त हुआ और क्यों लोक भाषाएं साहित्य का दर्जा प्राप्त कर सकी। इसका जवाब रामचंद्र शुक्ल के पास नहीं है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। क्यों हिंदी ही नहीं बल्कि समूचे भारतीय इतिहास में लोक भाषाएं पहली बार साहित्यिक गौरव के साथ आई और इसको साहित्यिक गौरव दिलाने में आधे से ज़्यादा लोग वे हैं जो बेपढ़े लिखे हैं, छोटी जातियों के लोग हैं, उनका लोक साहित्य कभी साहित्य क्यों नहीं माना गया? ये सवाल मुझे परेशान करते थे। तब मुझे लगा कि मार्क्सवाद में शायद इसका हल हो, क्योंकि मार्क्सवाद इतिहास दर्शन है। वो दुनिया के इतिहास को जो राजाओं की कहानी मालूम होती है उस साहित्य का एक पैटर्न उन्होंने ढूंढता है, उसकी प्रगति, परिवर्तन और विकास की व्याख्या कर सकता है। ये नामर सिंह ने अपनी बात बात में बात नामक पुस्तक में उन्होंने कहा। नामर सिंह अनुसार चूंकि समाज ने साहित्य को उत्पन्न किया, साहित्य ने समाज को नहीं, इसलिए मुख्य समस्या इस बात को पड़ताल करने की है कि कोई साहित्यिक कृति प्रभावशाली होने से पहले उत्पन्न कैसे हुई, क्यों उत्पन्न हुई, क्यों तुलसीदास को किसी समय लगा कि मुझे ये रामचरितमानस लिखनी चाहिए। वो परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण साहित्य के इतिहास से जुड़े इस जरूरी प्रश्न का समाधान पाने के लिए ही नामर सिंह ने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी यानी भौतिकवादी दृष्टिकोण से द्वंद्वात्मक प्रणाली की बात की। नामर सिंह अनुसार इस दृष्टिकोण की अपनी कुछ विशेषताएँ, जिसमें से पहली ये, किसी वस्तु, व्यक्ति, घटना या विचार को अन्य वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं वे विचारों के अविभाज्य अंग के रूप में देखना। दूसरा, उन्हें गतिशील, परिवर्तनशील वे क्रमबद्ध रूप में देखना। तीसरा, विकास क्रम को ऊर्ध्वमुखी रूप में देखना। चौथा, इनमें असंगति और अंतर्विरोध देखना। ये जो है इतिहास की जो घटनाएं हैं इनके बारे में उनकी समझ थी। नामर जी ने अपनी इतिहास दृष्टि से हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन की प्रचलित प्रविधि पर भी सवाल खड़े किए। नामर जी ने सब जगह पर बहुत अच्छे अच्छे सवाल खड़े किए और उन सवालों के कारण आगे बहुत सारे लोगों ने कुछ लिखा भी। तो उनका कहना था कि सबसे खराब तो हिंदी साहित्य के इतिहास का संदर्भ है, हमने मध्यकाल को पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल में बांट दिया। ऐसा हमने अपनी सुविधा के लिए किया कि भक्ति काव्य अलग हो जाए तो रीति काव्य को हम खास तौर पर पतन का काव्य कह सके या दिखा सके, जबकि हम भूल जाते हैं कि इसी काल में, जिसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है, विद्यापति और अमीर खुसरो जैसे कवि हुए। फारसी की परंपरा की दृष्टि से ये दौर अत्यंत गौरवशाली है। संगीत को लें तो खुसरो के साथ ख्याल गायकी शुरू होती है। स्थापत्य को लें तो
तो इस काल में स्थापित कितनी ऊंचाइयों तक पहुंचता है? दक्षिण के मदुरई का मीनाक्षी मंदिर, उड़ीसा का कोणार्क मंदिर, विशाल इस स्थापत्य की निशानी। इस समय मूर्ति कला पूरी समृद्धि पर रही, अतः जिसे हम तथाकथित मध्यकाल कहते हैं और जिसके प्रति हमारी दृष्टि ओरिएंटल दृष्टि है, ये बदलनी चाहिए। इतिहासकार इसे बदले न बदले वे जाने, पर साहित्य व संस्कृति का इतिहास लिखते समय हम यूरोप के उस मॉडल को छोड़ दें और रीति काव्य को भारतीय दृष्टि से मध्यकाल का हिस्सा मानकर अपनी दृष्टि बदलें। नामवर सिंह ने आश्चर्य प्रकट किया कि जिसे हमारे इतिहासकारों ने उत्तर मध्यकाल कहा है, गदर के पहले तक का काल, वो उर्दू शायरी में नज़ीर अकबरवादी मीर और गालिब का काल है, गोल्डन पीरियड है। ठीक उसके समानांतर हिंदी में जो कविता लिखी जा रही है उसे कायदे से स्वर्ण युग कहने के बजाय पतन का काव्य कहा जाता। तो उनका कहना यह कि यह बड़ी अजीब बात है कि हम फ्यूडल आर्ट को, फ्यूडलिज्म को खराब समझते हैं और आधुनिक बुर्जुआजी को अच्छा मानकर चलते हैं। ये भूल जाते हैं कि कभी कभी इस पूरी लड़ाई में मामला उलट भी सकता है। हम लोगों ने साहित्य कला और काव्य को जांचने परखने के जो आधार विकसित कर लिए हैं वे नितांत गैर साहित्यिक और क्रूड सोशल व पॉलिटिकल समझ पर आधारित है। इतिहास के बारे में ऐसी इकरी धारणा को नामत जी ठीक नहीं समझते कि सामंत युग का साहित्य सामंती होता है और पूंजीवादी युग का साहित्य पूंजीवादी। उनके अनुसार हर युग के अंतर्विरोध हुआ करते हैं और ये जरूरी नहीं है कि आर्थिक ह्रास के समानांतरी राजनीतिक ह्रास हो और राजनीतिक ह्रास के समानांतरी सामाजिक ह्रास हो और इन तमाम चीज़ों के साथ सांस्कृतिक ह्रास भी। कोई आवश्यक नहीं है। राजनीति में, समाज में, अर्थतंत्र में पतन के समय में भी महान साहित्य का सृजन हो सकता है, क्या और क्यों नहीं हो सकता। और जो उदाहरण एक भाषा के, एक ही जगह की भाषा थी, उर्दू और हिंदी, एक भाषा में पतन है, दूसरी भाषा में श्रेष्ठ साहित्य लिखा जा रहा है, तो इस अंतर विरोध पर उन्होंने उंगली रखी और कहा कि ये जो समझ है, जो एक आम हिंदी पाठक की समझ है, उस समझ पर उन्होंने प्रश्न उठाया। नावर जी कहते हैं कि किसी भी आलोचक के प्रसंग में ये महत्वपूर्ण नहीं हुआ करता कि उसके निष्कर्ष क्या हैं, उस निष्कर्ष के पीछे की जो चिंतन प्रणाली है वो क्या है, उसका महत्व अधिक है। इतनी मोटी सी बात भी लोगों के दिमाग में नहीं आती कि संपूर्ण साहित्यकारों और साहित्यिक कृतियों का लेखा जोखा ही इतिहास नहीं है, बल्कि किसी एक साहित्यकार अथवा एक कृति का समुचित मूल्यांकन भी इतिहास हो सकता है, क्योंकि मुख्य प्रश्न ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य का है। वास्तविक आलोचक किसी एक कृति का मूल्यांकन करते समय परोक्ष रूप से साहित्य की समस्त कृतियों का मूल्यांकन करता है। यदि वे ऐसा नहीं करता तो वे मूल्यवान ही नहीं है और उसके अंतर्निहित प्रतिमान में कहीं न कहीं असंगति है। समझ सकना कठिन नहीं है कि नावर सिंह ये कहना चाहते हैं कि आलोचना समय समय पर अपनी परंपरा का पुनर्मूल्यांकन किया करती है और हिसाब से अपनी समूची साहित्यिक परंपरा का जो नए कक्षा है, उस जो नक्शा है, उस नक्शे को समय समय पर सुधारती बदलती है। दूसरी परंपरा की खोज में नामवर जी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के कबीर संबंधी चिंतन की चर्चा करते हुए अपनी इस मान्यता को और पुष्ट किया। उन्होंने कहा कि इस चिंतन के क्रम में द्विवेदी जी जहां परंपरा से प्राप्त हिंदी साहित्य के इतिहास के मानचित्र को बदलकर एक दूसरा मानचित्र प्रस्तुत करते हैं, वहीं साहित्य संबंधी भी एक नई मान्यताएं सामने आती। इस प्रकार नए इतिहास के साथ आलोचना का एक नया मानवीय दृष्टिकोण होता। कबीर के साथ इतिहास की एक भिन्न परंपरा ही नहीं आती, साहित्य को जांचने परखने का एक प्रतिमान भी प्रस्तुत होता है। यहाँ पर एक चीज़ और महत्वपूर्ण है कि इतिहास और आलोचना संबंधी जो यूरोप में बहस हुई थी स्क्रूटनी पत्रिका में, उस पत्रिका के जो का जो बहस है, उस बहस की गूंज गूंज भी कहीं कहीं हमको नावर जी के इस चिंतन में देखने को मिलती है, जिसमें वो कहते हैं कि आप एक कृति के माध्यम से आप पूरे इतिहास की पुनर्व्याख्या कर सकते हैं। तो आवश्यक नहीं है कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से विद्यार्थियों के लिए किताबें लिखी जाती है वो तो इतिहास हो, और एक कबीर का जो विश्लेषण अगर हजारी प्रसाद द्विवेदी करते हैं तो वो इतिहास नहीं हो। वो कहते हैं कि वो भी इतिहास है और वो इतिहास में सार्थक हस्तक्षेप है, और इसके द्वारा नामवर जी कहना चाहते हैं कि जो आलोचना है वो साहित्य में अधिक गहराई से इतिहास को प्रभावित करती है और इसलिए महत्वपूर्ण वो आलोचना है, उस आलोचक का परिप्रेक्ष्य है और वो किस तरह से दखल देता है उसकी तरफ वो ध्यान देते हैं।
इतिहास दृष्टि और युग बोध को ध्यान में रखते हुए नामर जी ने लिखा कि अपने युग की रचनात्मकता में संलग्नता, साझेदारी और उस दौर के राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों से संबंध, युग के साहित्य सृजन में उनकी भूमिका, इसी से साहित्यकारों और आलोचकों की साहित्य दृष्टि निर्धारित होती है। साफ शब्दों में उन्होंने कहा कि इतिहास वही लिखता है और लिख सकता है सार्थक इतिहास जो इतिहास बनाने में योग दें। यदि आप स्वयं इतिहास से तटस्थ हैं, आप जो साहित्य लिखा जा रहा है उसे तटस्थ हैं, तो आप साहित्य का इतिहास नहीं लिख सकते। अपने सामाजिक जीवन का इतिहास बनाने में यदि आप भूमिका अदा करेंगे, इस सामाजिक जीवन को बदलने में आज का साहित्य जो भूमिका अदा कर रहा है उससे अगर आप संलग्न होंगे, प्रतिबद्ध होंगे, तभी आप सार्थक इतिहास लेखन का कार्य कर सकेंगे। वरना आप एंटीक्वेरियन की तरह काम करेंगे, आप एक अतीतवादी यानी गड़े मुर्दे उखाड़ने वाले आलोचक होंगे। अब यहाँ पर एक नई स्थापना नामर जी करते हैं कि जो इतिहास का निर्माण करता है वही इतिहास का लेखन भी करता है। अब साहित्य के इतिहास हिसाब से इतिहास का निर्माण तो रचनाकार करता है, साहित्यकार करता है, और इसी तरह दूसरे लोग करते हैं और उनसे जुड़े हुए लोग करते हैं। वो उनके दिमाग में कभी इतिहास लेखन की तरफ नहीं आता, और इस विवाद को उन्होंने आगे भी बहुत सारी जगहों पर कहा है, और जिससे ये होता है कि इतिहास का निर्माण बहुत महत्वपूर्ण। इतिहास का निर्माण मतलब जो सामाजिक जीवन है उस सामाजिक जीवन में जो परिवर्तन हो रहा है उस परिवर्तन में आपकी भूमिका क्या है। अगर आप तटस्थ हैं तो आप अतीतवादी, आपने पुरानी चीज़ें आपने इकट्ठी कर दी, क्योंकि आपको नए समाज की बनाने के चीज़ों में आप जुड़े हुए ही नहीं। उनका आशय यह है कि वास्तविक इतिहास दृष्टि समकालीन रचनात्मकता की पहचान से ही मुकम्मल बनती है। आपकी को इतिहास दृष्टि तभी मिलेगी जब आप समकालीन चीज़ों को जानते हो, और समकालीनता पर जो ये उनका आग्रह है वो समकालीन परिवेश से निरंतर परिवर्तित होते हुए परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखता है, और इतिहास दृष्टि को भी इस परिवर्तन के साथ में स्वयं को परिवर्तित करना होता है। नामर जी ने पृथ्वीराज राशों के मूल्यांकन के प्रसंग में अपनी इस इतिहास दृष्टि का परिचय दिया। उनके अनुसार इस प्रकार पुराने राशों संत भक्ति काव्यों की भांति सामान्य जन जागरण की उत्थानशील भावना का प्रतिबिंब न होते हुए भी ह्रासोमुखी सामंती शक्तियों के अंतर्विरोध का चित्रण करने वाला महाकाव्य। निश्चय ही इसकी वीर भावना में न तो महाभारत का सा उद्दात शौर्य और पराक्रम है, और न इसकी श्रृंगार भावना में कालिदास की सी मुग्ध तन्मय भावुकता। ह्रास युग का प्रभाव रासों की वीरता और श्रृंगार दोनों भावनाओं पर पड़ा है, इसलिए रासों की महिमा वीरता और श्रृंगार के उदात तथा उज्ज्वल चित्रण में उतनी नहीं जितने अपने युग की वास्तविक वीरता और प्रेम भावना को प्रतिबिंब करने में। कहना नहीं होगा कि इस कार्य में चंद ने जितने व्यापक क्षेत्र को समेटा है वह संत भक्ति काव्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं मिलता। रासो मानव जीवन की विविध परिस्थितियों और भाव दशाओं का महासागर है, यही वह विशेषता है जिसे रास युग के सभी काव्यों में रासों को सर्वोपरि स्थान दिया गया। निश्चय ही इस युग की सांस्कृतिक परिस्थितियों तथा पूर्व परंपराओं का एक वृहद कोष और मध्ययुगीन भारतीय समाज का एक काव्यात्मक इतिहास है, और इस तरह से उन्होंने रासों के महत्व को अलग ढंग से नए तर्क से हमारे सामने रखा। नामर जी की इतिहास दृष्टि की एक मूल विशेषता और है कि वे जीवन और उसके समानांतर काव्य तथा काव्य मूल्यों की सतत परिवर्तनशीलता को उद्घाटित करने की आवश्यकता पर जोर देते हैं, और वे बखूबी समझते हैं और मानते हैं कि हर परिवर्तन थोड़े दिनों बाद रूढ़ी बन जाता है, और फिर जो वही रूढ़ी को बदलने के लिए नए परिवर्तन की जरूरत होती है। अपनी इस समझ के सहारे ही नामर जी ने छायावाद के केंद्र में स्थित स्वतंत्रता की भावना को रेखांकित किया, वहीं छायावाद के बाद की कविता में हास्यबोध, व्यंग और विडंबना को महत्वपूर्ण माना। उनकी किताब कविता के नए प्रतिमान का महत्व इसमें है कि इस पुस्तक ने उन मूल्यों का वास दिलाने का यत्न किया जो उस समय शासक काव्य मूल्य नहीं थे। मुक्तिबोध के काव्य मूल्यों की स्थापना की दिशा में ये पुस्तक अविस्मरणीय है, लेकिन उससे भी बड़ा अवदान इस पुस्तक का संभवतः यह है कि इसने विस्तार से प्रमाणित किया कि हर युग में नई कविता को नए प्रतिमानों की आवश्यकता होती है। जिन्हें हम अवैध प्रतिमान मानते हैं वे वास्तव में हमारे रूढ़ संस्कार हैं, और जिसके लिए नामर जी ने एक शब्द दिया, जड़ीभूत सौंदर्यानुभूति।
इस प्रकार जीवन की परिवर्तनशीलता, ये जो आग्रह है, ये हर काल की नई कविता और नई रचनाशीलता के पक्ष में जाता है और नामवर जी इसका समर्थन और व्याख्या विश्लेषण करते हैं। ये आरोप लगाया है कि छठे दशक के नामवर सिंह की इतिहास दृष्टि में और उसके बाद की इतिहास दृष्टि में कुछ परिवर्तन है, इसलिए वो कहते हैं कि इतिहास और आलोचना के जो निबंध हैं वो निबंध नामवर जी के अलग मान्यताओं से जुड़े हुए निबंध हैं और इतिहास और आलोचना के बाद में जो उन्होंने साहित्य लिखा उस साहित्य में उसका प्रभाव है, जिसे कहना चाहिए कि स्टालिन की मृत्यु के बाद जो सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की 20वीं कांग्रेस हुई और उसमें स्टालिनवाद को जो ध्वस्त किया गया, उसके बाद के नामवर जी के जो साहित्य संबंधी जो समझ है उस साहित्य संबंधी समझ में परिवर्तन हुआ और जब मार्क्सवाद में भी कुछ खुलापन आया, स्टालिन की जब कड़ी आलोचना हुई तो उसके प्रभाव में नामवर जी के चिंतन में भी कुछ नयापन आया और उस नएपन के कारण कुछ लोगों का मानना है कि नामवर सिंह के ऊपर नई समीक्षा के चिंतकों का बड़ा भारी असर पड़ा और उन्होंने मार्क्सवाद और नई समीक्षा को मिलाने की कोशिश की और इस तरह से नए ढंग से, जिसे कहना चाहिए नामवर जी यही मान करके करते हैं कि एक तरह से वो मार्क्सवादी आलोचना को समृद्ध करते हैं और उनके विरोधियों का कहना यह है कि वो नई समीक्षा के लिए मार्क्सवाद को छोड़ देते हैं और वो कुछ नया कहने के रूप में वो पूंजीवादी विचारकों और चिंतकों के गोद में जा बैठते हैं। परंपरा के संबंध में नामवर जी की स्पष्ट मान्यता है कि परंपरा सहज रूप में प्राप्त नहीं होती, बल्कि परंपरा को अर्जित करना पड़ता है, परंपरा की खोज करनी पड़ती है और परंपरा का मूल्यांकन करना पड़ता है और ये मूल्यांकन नियमित करना होता है और तभी एक जो सम्यक इतिहास दृष्टि है वो इस परंपरा के मूल्यांकन से और इसके विश्लेषण से हमारे सामने आती है। उनका कहना है कि यदि किसी युग के बहुसंख्यक समाज में परंपरा का जीवित बोध हो तो संभवतः साहित्य के इतिहास की कोई आवश्यकता ही नहीं रहे। जिस जाति के लिए संपूर्ण परंपरा एक जीता जागता वर्तमान सत्य हो, उसे अलग से इतिहास पढ़ने की आवश्यकता क्यों पड़े? ऐसा प्रतीत होता है कि संस्कृत काव्यशास्त्र में जो अलग से इतिहास लिखने की परंपरा नहीं थी, उसका एक कारण संभवतः यह भी था, उस युग के अधिकांश लोगों के लिए सारा अतीत साहित्य बहुत कुछ समसामयिक जैसा रहा होगा और बहुत संभव है कि वे संपूर्ण साहित्य परंपरा को समसामयिक सा ग्रहण करके रसास्वादन में समर्थ रहे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि इतिहास की जरूरत विस्मृति को कम करने के लिए, विस्मृत हो गए अतीत को फिर से याद करने के लिए होती है और इसलिए उस इतिहास की अपने ढंग से एक ज़रूरत होती है जिस जरूरत के लिए लोग इतिहास लिखते हैं। परंपरा के संबंध में नामवर जी ने दूसरी परंपरा की खोज की धारणा रखी, जो हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो इतिहास दृष्टि है उसके सहारे से उन्होंने साहित्य की लोकोन्मुखी परंपरा की बात की, जो विवेचना के क्रम में दूसरी परंपरा का एक मुकम्मल चिंतन हमारे सामने आता। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण ये दूसरी है, दूसरी सेकेंड हैंड नहीं है, दूसरी का अर्थ और या अन्य या एक के अलावा और भी है, अन्य कई धाराएं हो सकती है। तो नामवर जी ने कहा कि हिंदी में अब तक परंपरा का प्रयोग प्राय एक वचन के रूप में किया जाता था, हमारी परंपरा, भारतीय परंपरा, हिंदी साहित्य की परंपरा, और ये जो हिंदी साहित्य की जो परंपरा है ये इकट्ठी, इसको बाद में लोगों ने जोड़ा, कहा ये भारतेंदु की परंपरा है, ये कोई भाषा है, ये प्रेमचंद की परंपरा है, ये रामचंद्र शुक्ल की परंपरा है, और किसी एक व्यक्ति का नाम लेकर के और उस पूरी परंपरा को बल दिया। लेकिन उनको ये लगा कि जो लोग परंपरा संबंधी एक प्रभुत्वशाली निष्कर्ष की तरह से प्रतिष्ठित उसी को मान लेते हैं, उससे अलग भी एक इतिहास की परंपरा है और उस परंपरा को ढूंढने की ज़रूरत है। तो परंपरा नामवर जी के हिसाब से कोई इकरी चीज़ नहीं है, कभी भी इकरी नहीं रही, इसलिए परंपराएं हमेशा परंपराएं होती है, इसलिए वो कहते हैं बहुवचन होती है परंपरा, अकेली परंपरा नहीं होती, इसलिए दूसरी परंपरा पहली परंपरा से भिन्न ही नहीं बल्कि पहली परंपरा के विरुद्ध विद्रोह करने वाली वैकल्पिक परंपरा के रूप में हमारे सामने आती है। दूसरी परंपरा के माध्यम से नामवर सिंह इतिहास की एक भिन्न परंपरा की बात ही नहीं करते बल्कि एक भिन्न इतिहास दृष्टि सामने रखते हैं और इस दृष्टि में ही उन्होंने बाद में नई कविता के दौर में मुक्तिबोध के माध्यम से हिंदी कविता की एक भिन्न परंपरा को रेखांकित किया, जो अज्ञेय की परंपरा से अलग थी। अज्ञेय का साहित्य अलग तरह का था और उसे अलग इन्होंने इसको महत्व
दिया। लोक साहित्य पर भी, इतिहास की धारा में उन्होंने लोक साहित्य के तत्वों का भी महत्व दिया, और सिद्धांत रूप से नामवर जी ने भी लोक के बारे में बहुत बात कही। हालांकि ये कहा जा सकता है कि उन्होंने लोक साहित्य पर ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। ढोला मारू के द्वारा दूहा पर उन्होंने जरूर एक चलता हुआ कुछ टिप्पणी की है, लेकिन लोक साहित्य पर उनका कोई विधिवत काम हो ऐसा नहीं है। तो वो लोक साहित्य के तर्क का एक इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन उसके माध्यम से वो किसी नई चीज़ का उद्घाटन नहीं करते। इसके बाद में एक चिंतन संबंधी एक प्रश्न आता है इतिहास में, जिसको वो कहते हैं प्रासंगिकता का प्रश्न। और प्रासंगिकता की ये धारणा है, इसके ऊपर ब्रेक्ट के सिद्धांतों का असर है। ब्रेक्ट की मान्यता है कि जितना ही हम अपने समय के अधिक से अधिक उपयुक्त नए प्रकार के आस्वाद के प्रति अपने आप को अर्पित करते हैं, पुराने नाटकों का हमारा आनंद उतना ही बढ़ता जाता है। जब हमारा रंगमंच अन्य युग के नाटक खेलते हैं तो दूरी को खत्म कर देना चाहते हैं, अंतराल भर देते हैं, भेद मिटा देते हैं, लेकिन हमें जो आनंद मिलता है वे तुलनाओं में, दूरी में और असमानता में मिलता है। ब्रेक्ट के इस सिद्धांत को आगे बढ़ते हुए नामवर जी ने लिखा कि दूरी बनाए रखना है प्राचीन कृतियों से, हम अभिभूत न हो जाएं, डूब न जाएं। किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का यही तरीका नहीं है कि आप उसके हो जाएं, हाँ में हाँ मिलाएं, हाँ मिलाए जाएं। मेरी दृष्टि में किसी के प्रति सम्मान व्यक्त करने का ज़्यादा अच्छा तरीका है कि हम उसमें और अपने में बराबर अंतर समझें। कालिदास को किसी तरह खींचतान करके सामंत विरोधी साबित करना कालिदास का सम्मान नहीं है। कालिदास के अंतर विरोधों को साफ उद्घाटित करना है कि कालिदास उस दौर में संस्कारों से, स्त्री पुरुष के संबंध से, राजाओं के व्यवहार से भली भांति परिचित थे और उनके प्रभाव में थे, इसलिए उसे मुक्त होना उनके लिए संभव नहीं था, ये ज़्यादा उचित है। इसलिए नामवर जी इस प्रासंगिकता की धारणा, जो इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण होती है, आमतौर से आलोचक उन रचनाकारों को अपने समय में प्रासंगिक सिद्ध करना चाहते हैं कि अतीत के जो विचारक हैं वो भी वही बात कह रहे हैं जो हम कह रहे हैं। जैसे मान लीजिए दलित साहित्य के जो लेखक हैं वो अगर ये साबित करें कि जो हम बात कह रहे हैं वही कबीर ने कही थी या रैदास ने कही थी, तो रैदास में और आज के समय में हमें कोई भेद नहीं, वो सब लेखक एक रूप दिखाई देने लगते हैं। ये जो एक रूपता है, ये नामवर जी के हिसाब से ये इतिहास विवेक के अनुसार सही नहीं है। हमको ये बताना होएगा कि किस तरह से कबीर हमसे अलग है, आज के लेखक से कबीर अलग है, भले ही हमें कबीर कितने ही अच्छे लगते हों, भले ही हमें कबीर की कुछ मान्यताएं अच्छी लगती हो या न लगती हो, लेकिन उनका जो अंतर है वो अंतर बड़ा महत्वपूर्ण है और उस अंतर को रेखांकित करना चाहिए। इसके लिए नामवर जी का एक निबंध है प्रासंगिकता का प्रमाद। वो कहते हैं कि प्रासंगिकता प्रमाद है कि एक उसकी तरह आ जाती है। क्या वही प्रासंगिक है जो हमारे विचारों का अनुमोदन करता है और जो आप आज के अनुकूल हैं, जो आज से भिन्न है, हमें चुनौती देता है, हमारा विरोधी है, हम जिसे सहमत नहीं है, वो प्रासंगिक क्यों नहीं? वो भी तो प्रासंगिक है जो हमारी बात नहीं मानता या जिसकी बात हम नहीं मानते। तो एक तरह का जो सहमति परक साहित्य लिखा जाता है उसमें इतिहास की अतीतता का बोध नहीं होता। इसलिए नामवर जी कहते हैं कि कोई प्राचीन कृति हमारे आज के सभी प्रश्नों का सही उत्तर देकर अथवा देने के कारण प्रासंगिक नहीं होती, बल्कि एक सर्वथा भिन्न परिप्रेक्ष्य में हमारी आज की नियति को आलोकित करने के कारण, हमें नए सिरे से सोचने के लिए मजबूर करने के कारण, हमारी आत्मतुष्टि को तोड़ने के कारण प्रासंगिक होती है। इसलिए भिन्न विचारधारा के सांचे में निर्मित होने के कारण भी वह जीवंत लगती है और उसकी जीवंतता उसकी विचारधारा की सीमाएं भी स्पष्ट कर देती है। ये जीवंतता उसके कालजयी रूप विन्यास की संपूर्णता में होती है, जो विचारधारा वलयत अंतर्वस्तु द्वारा निर्मित होते हुए भी अंतर्वस्तुते अनिवार्यतः आबद्ध नहीं होती। युग युग में पुनर्नवता की एक क्षमता ही किसी कृति को कालजयी भी बनाती है और प्रासंगिक भी। यहाँ पर वो नामवर जी कहना चाहते हैं कि आप अपने से भिन्न व्यक्ति का आदर करते हैं या नहीं करते हैं, अपने से भिन्न व्यक्ति को महत्व देते हैं कि नहीं देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि सारा वर्तमान भी हमारा समर्थन करे और अतीत भी हमारा समर्थन करते, तो ये जो कविता है, ये जो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को वो ऐतिहासिक मूल्यांकन नहीं मानते। इसलिए नामवर सिंह साफ साफ कहते हैं कि किसी कृति की प्रासंगिकता
उसके समूचे इतिहास में ही संभव है। ऐसा इतिहास जो किसी कृति के सृजन क्षण से लेकर ग्रहणशीलता के सभी क्षणों तक फैला हुआ है। जरूरी नहीं है कि जो कृति आज अप्रासंगिक प्रतीत हो रही हो वे कल भी अप्रासंगिक रही होगी। इतिहास धारा में ऐसी अनेक कृतियां हैं जो अप्रासंगिक से प्रासंगिक बनी है और प्रासंगिक से अप्रासंगिक। किसी समय में बहुत महत्वपूर्ण थी, आज महत्वपूर्ण नहीं है। हो सकता है कि थोड़े दिनों बाद में वो और भी अधिक प्रासंगिक या अप्रासंगिक हो जाए। इसलिए प्रासंगिकता के आधार पर जो हमारी इतिहास दृष्टि है उस इतिहास दृष्टि को नियमित नहीं होना चाहिए। सृजन से ग्रहण तक संप्रेषण की संपूर्ण प्रक्रिया में काव्यकृति निरंतर उपजती और उपजाई जाती। ये उपज ही उसका जीवन है। इस वाक्य को अगर हम बारीकी से समझें तो जिस तरह से कृति आई है और आने के बाद इतने युगों तक लोगों ने उसको किस ढंग से देखा और देखने के क्रम में वो कृति बदल जाती, इस पूरी चीजों को हम प्रासंगिकता से देखते हैं कि उसको जड़ पाठ से वो मुक्त होती है और जड़ शब्द से अगर हो जिसको कहते हैं नित्य पाठ उसको कह दीजिए हमेशा पढ़ते पढ़ते। इसलिए समय सिद्ध मुक्ति पाठ से नहीं संदर्भ से भी। संदर्भ वह है जो इतिहास है जिसमें कोई कृति जन्म लेती है और जब उस इतिहास के साथ आगे भी विकसित होती है और ये विकास ही उसकी मुक्ति है। इसलिए साहित्य के इतिहास को नामवर जी व्यापक समाज के इतिहास का एक हिस्सा मानते हैं और उनको ये लगता है कि साहित्य सृजन एक वैयक्तिक प्रयास है और वैयक्तिक प्रयास के साथ एक सामाजिक प्रयास भी है। आप अपने मन से आप अपनी इच्छा से किसी समय कोई कृति नहीं लिख सकते। कृति का सृजन एक सामाजिक परंपरा के भीतर साहित्यिक परंपरा के भीतर होता है और जब आप अतीत में जाते हैं जब आप इतिहास में जाते हैं तो उस कृति का एक स्थान निर्धारित करते हैं और उस कृति के बारे में अपने से उसकी तुलना करते हुए जो दूरी है उस दूरी को रेखांकित करते हैं और उस दूरी के द्वारा विरोध के द्वारा ही वो कृति अपने युग में प्रासंगिक होती है। इसलिए प्रासंगिकता के प्रश्न को जो ये प्रश्न इतिहास का प्रश्न है लेकिन नावर जी इसे आलोचना के प्रश्न के रूप में रखते हैं और अपने सारे चिंतन के केंद्र में नावर जी एक आलोचक की भूमिका के रूप में ही हमारे सामने आते हैं और वो आलोचक के जो प्रश्न होते हैं वो प्रश्न कहाँ इतिहास से जुड़ जाते हैं और कहाँ इतिहास की सीमा का विस्तार कर देते हैं, ये अगर हमें देखना हो तो नावर जी के साहित्य इतिहास संबंधी दृष्टि को देखना चाहिए क्योंकि वो चीज़ों को बदल देते हैं। क्योंकि वो जिसे कहना चाहिए कि जो मूलतः इतिहासकार साहित्य के इतिहासकार नहीं है, वो साहित्य के इतिहास का भी उपयोग करते हैं एक रचना को समझने के लिए उसका मूल्यांकन करने के लिए। इसलिए वो साहित्य के आलोचक हैं और आलोचक के रूप में जो प्रश्न उनके सामने आते हैं वो इतिहास को भी बदलने की क्षमता रखते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि एक कृति को भी अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो आप पूरे इतिहास के क्रम को बदल देंगे। ये जो बदलने की क्षमता है ये एक आलोचक की क्षमता है और नावर जी इस तरह एक ऐसी साहित्यिक इतिहास दृष्टि का निर्माण करते हैं जो मूलतः आलोचक की इतिहास दृष्टि है, इतिहासकार की इतिहास दृष्टि नहीं है।